दुरुक 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 ओ दुरुक। हाँ बोलो करीम। एपिक क्या कर रही होगी इस वक्त? मेरे बारे में सोच रही होगी ना? यकीनन। या फिर ये हो सकता है कि गहरी नींद सो रही हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। दुरुक दुरुक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, उठो यार, सो रहे हो क्या? दुरुक नहीं भाई, सो सकता हूँ भला। हाँ बोलो क्या बात है? पता है मेरे भाई, बस एक दीवार है उसके और मेरे बीच, वरना है तो एक ही छत के नीचे। अरे हाँ दुरुक, अभी अभी मुझे ख्याल आया, हो सकता है सोते में मुझे देख रही हो ख्वाब में, है ना? या अल्लाह, ये बंदा तो दीवाना होता जा रहा है पागल। भाई साहब, आपको जो हो गया है उसे इश्क कहते हैं। हाँ मालूम है कि आप अपने साथ हमें भी पागल कर देंगे, और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं होता। दुरुक 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 को मार ही दे एक ही बार। चले उठे, चले, हम चल रहे हैं। यार कहाँ भाई, आधी रात को कहाँ जाएंगे भाई? अच्छा ठीक है सोचो। यार इश्क जिसे हो जाए वो भला हो सकता है चैन से? सुबह तक बस आईपिक का वजीफा पढ़ते रहेंगे आप, और कह रहे हैं सो जाओ सुकून से, भला पॉसिबल है क्या? मुझे वाकई इश्क हो गया यार उससे। सॉरी यार, मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब करके रख दिया। बस करो यार, क्या सॉरी वॉरी के चक्कर में पड़ गए हैं? रात आशिकों की दोस्त होती है। चलते हैं बाहर, और देख लीजिएगा वो सब भी जाग रही होंगी, एंजॉयमेंट हो जाएगी। सही कह रहे हो। बिल्कुल। क्या बात है, तुम मेरे पक्के दोस्त हो दुरुक यार। देखो जरा यार, ये लड़की तो बावली हो गई बिल्कुल, अकल तो नाम की नहीं इसमें। सही तो कर रही है, जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन है ये उसके। यार रहने दो, ऐसे ही खूबसूरत दिन जिंदगी भर गुजारना चाहती है ना, तो बेहतर है ये भाग जाए मुराद के साथ। ये क्या के दो चार दिन मोहब्बत जैसे गुजारो और बाकी सारी लाइफ जहन्नम जैसी। हाँ ये तो है यार, मगर कुछ भी हो बहुत अच्छा भी लग रहा है उसे देखकर, बहुत खुश भी हो रही हूँ मैं, लेकिन साथ में थोड़ी परेशान भी हूँ, घबरा भी रही हूँ। कहीं वो यानी फंस तो नहीं जाएगी ना आगे चलकर वो किसी बड़े मसले में? चलो खैर हो गई, हम तो नहीं इन चक्रों में। कैसी हो गर्ल्स, क्यों ना कुछ एंजॉयमेंट हो जाए? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? नहीं तो फिर अच्छी सी चाय पीते हैं और आला सी मूवी देखते हैं। यार दुरुक, तुम कितने कमाल आदमी हो, इससे अच्छी एंजॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती। समझी नहीं मैं, चाय वाय पीने में कैसी एंजॉयमेंट? ओके, तो एक और आइडिया है जो यकीनन दोनों को पसंद आएगा। साहिल पर चलते हैं और सुबह तक स्टेक्स खाएंगे वहां पर बैठकर। फैंटास्टिक आइडिया, क्या कहने दुरुक, आज तो बहुत मजा आने वाला है। हाय साहिल पर स्नैक्स। ऐसा क्या फैंटास्टिक इसमें यार, बिल्कुल बेकार आइडिया है। सही कह रहे हो करीम, बुढ़ो वाली तफरी बिल्कुल। ओके तो फिर गेम, कार्ड गेम। उसमें तो कोई नहीं जीत सकता, मुझे शर्त लगा लो। वाकई में? एपिक, हम दोनों अब मजीद यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, चलकर वहाँ पर तरबूज खाते हैं। हाँ तो जाओ। चलो करीम यहाँ से निकलो, क्योंकि मुझे तो ये आइडिया सुनकर चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लेते हैं। चलो जाओ जाओ, वो अकेली जा रही है। मुझे तो तुम्हारी बातों से जलने की बू आ रही है। यार क्या चीज हो तुम भी दुरुक। चले छोड़ो, ये तरबूज के ही लाइक है। जरा इर्द गिर्द तो देखो, हर तरफ लव कपल्स हैं, और देखो पिंक हार्ट्स हवा में उड़ रहे हैं हर तरफ, और एक हम है जो अभी तक अकेले हैं। ओके दुरुक डियर, अकेले होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग होना, और वैसे भी अकेले बंदे पे कोई प्रेशर नहीं होता कि किसको नाराज रखना है और किसको खुश करना है, और मेरा ख्याल है कि ये लोग बढ़ा चढ़ा के करते हैं ये इश्क विश्क की बातें। ये तुम क्या कह रही हो? क्यों मैं नहीं कह सकती क्या? प्यार तो इंसान बिल्ली के बच्चे से भी कर सकता है, और खुशी तो समंदर पर मुर्गाबियों को दाना डाल के भी मिल जाती है, तो फिर ये इश्क 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 क्या फजूल बात है। बताओ जरा, चारों तरफ लव कपल्स बिखरे हुए हैं। वाह भाई, जबरदस्त ख्याल है। अच्छा अब मैं तुमसे एक अहम बात पूछने वाला हूँ।
ऐसी क्या अहम बात हो गई? हम किस रिलेशन से साथ हैं? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। देखो असली डियर, बात क्लियर होनी चाहिए। मेरे साथ या तो मेरी गर्लफ्रेंड होती है या ओनली फ्रेंड, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, तो बेहतर है अभी से बात क्लियर हो जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या सिर्फ फ्रेंड। बहुत आला द्रुक, तुमने तो डराई दिया। मजाक कर रहे हो ना? इजियट, शैतान, कैसे सीरियस बन गए ना? असली सीरियस हूं मैं। सच में? हाँ बिल्कुल। यानी हम, मैं और तुम? सही समझी। क्या होंगे यार, फ्रेंड्स ही हैं हम बस। ठीक है, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। यार कितनी अच्छी बात है ना, वो दोनों साथ हैं। मुराद ने अगर हयात को आई लव यू कहा तो हयात क्या जवाब देगी तुम्हारे ख्याल में? मेरा ख्याल है अच्छा ही कोई जवाब देगी। नहीं, ऐसे नहीं, उसे कहना चाहिए कि आई लव यू टू। हाँ, क्योंकि जब कोई किसी को आई लव यू कहता है तो सामने वाले का फर्ज होता है कि उसे आई लव यू टू कहे जवाब में। उसे जर्मनी गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, जहाँ भी गया हर जगह यही होता है मोहब्बत में। हाँ बिल्कुल, मगर तुम कोई जवाब नहीं देती। क्या बेकार बेकार बातें हैं यार। नहीं कह रही मीटू, जब मेरी मर्जी होगी मैं कह दूंगी, और हो सकता है कभी ना कहूं। क्या? कि मोहब्बत है। किस दिल में? अरे मेरे दिल में ना, उफ। कमाल है यार, ऐसा भी क्या बताना होगा कि किससे मोहब्बत है, क्या मुझसे मोहब्बत है? पिटोगे, बायकॉट पिट जाओगे करीम, सही बता रही हूँ यार। यार पता है ना मुझे कितनी चिढ़ है ये रोमांटिक होने से। हर वक्त देखो पिक पिक पिक, चिक चिक चिक, बनावटी बातें। नहीं होती मुझसे ये फजूलियात। तुम्हें क्या पता क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ करीम? बताने की सहमत ही नहीं की कभी तुमने। कोई फायदा नहीं, रहने दो। तुम आशिक लोग कुछ नहीं कर सकते। लैला मजनू हो गए, हीर रांझा हो गए, कितने आशिक थे, सब ऐसे ही फारिग हो गए। बहुत अच्छे। हे, हेलो, नाराज हो गए बेबी? बड़े मियाँ, अगर बात नहीं की तो मैं इससे भी बुरा नाम रख दूंगी तुम्हारा करीम। हे करीम डियर, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। किस लिए? बस छोड़ो करीम, एंजॉयमेंट मत खराब करो यार, गुस्से में तो और भी बुड्ढे लगने लगते हो, सच बता रही हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ। क्या? प्यार करती हो ना? उफ। क्या उफ यार, क्या उफ? मैं कितनी बकबक बर्दाश्त करता हूँ तुम्हारी, कभी कुछ कहा तुमसे मैंने पलट के? हाँ, क्योंकि तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। हाँ अच्छी तरह जानती हूँ, मगर जबरदस्ती मत करो मुझ पर, खुद से आने दो उस वक्त को जब मेरे भी दिल में मोहब्बत जागेगी। वो दिन आने दो जब तुम मेरा दिल जीत लोगे, फिर आई लव यू दिल से कहूंगी। बुढ़ा ना हो जाऊं कहीं इंतजार में, अच्छी नहीं लगोगी उस उम्र में कहती हुई। बस करो यार।